नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज मैं थोड़ी बुरी खबर लेके आया हूँ। बुरी खबर इन द सेंस, मेरे लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि दो इंसिडेंट अभी रिसेंटली ऐसे हो गए जिससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वैसे ये नॉर्मली होता रहता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिटर्न्स के इश्यूज़ के बारे में। रिटर्न्स में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं आती है और उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाती है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, कौन फॉल्ट में है, कौन इसका कल्प्रिट है, कौन कैसे इसको हैंडल करेगा, ये थोड़ा सा डिस्कशन मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज सुबह मुझे एक रिटर्न शिपमेंट मिला अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, अमेज़ॉन में हमने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे, स्विचेस भेजे थे, एंकर ब्रांड के स्विचेस भेजे थे, आपको पता ही होगा एंकर ब्रांड के। और उसमें एक स्विच की कीमत थी करीबन 160 रुपीज़। वैसे हमने कुछ 40 या 50 भेजे थे, तो करीबन इनवॉइस की वैल्यू जो थी वो 6000 के आसपास थी। और रिटर्न में जो हमको मिला है वो देखिए, आपको बताता हूँ रिटर्न में मुझे क्या मिला और क्या भेजा था हमने। ये जो स्विच है वो स्विच भेजी थी, इसकी कीमत करीबन 160 के आसपास है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50 पीसेस भेजे थे। और ये जो स्विच है ये रिटर्न में आई है हमको, और कस्टमर ने कहा कि उनको गलत स्विच मिली है और उन्होंने सिंपली रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिटर्न प्रोडक्ट आया है वो करीबन 1000 के आसपास का प्रोडक्ट है, और जो भेजा था हमने उसकी वैल्यू जो थी वो 6000 की थी। मतलब इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये का घाटा यहाँ पर हमको होने वाला है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो रहा है, ये काफ़ी सारे सेलर्स के साथ हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा जो भी कर रहे हैं बायर्स या फिर कोई भी कर रहा हो कि प्रोडक्ट्स ले के दूसरी प्रोडक्ट्स भेज दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ना समझें कि वो बच जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। हमारे पास तो वो प्रूफ है ही कि हमने जो प्रोडक्ट्स भेजे थे वो 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट थे, वो हमारे पास CCTV फुटेज है उसका। ठीक है, तो अभी अमेज़ॉन को डिसाइड करना होगा कि इसमें कल्प्रिट कौन है। अभी देखिए, अमेज़ॉन क्या करता है कि ऐसे एकाध दो ऑर्डर में वो जो कस्टमर्स हैं उन पे ब्लेम नहीं करता है, अमेज़ॉन अपनी तरफ से रिफ़ंड कर देता है। बट हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमको लगता है कि यहाँ पे जो बायर है वो फॉल्ट में है, तो हम इस केस को और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और इस केस को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि 100% ये किसी फ्रॉड बायर ने ऐसा किया है तो आप पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो हम डेफिनेटली करने वाले हैं। यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और फिर वो बायर के अगेंस्ट में एक्शन भी हम लेंगे, क्योंकि अगर एक ऐसा करता है तो 100 जन भी ऐसा कर सकते हैं, और आगे कितने ना जाने ऐसा करेंगे। और सब ऐसे करने लगे तो जो सेलर्स हैं वो सेलर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सबके पास CCTV फुटेज नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आप CCTV कैमरा कहाँ से लाएंगे, अगर आप छोटे सेलर हैं तो उस सिचुएशन में आप प्रूफ देने के लिए, अगर आपको कोई बोलेगा तो आप प्रूफ भी नहीं दे पाओगे और आपके पैसे सारे चले जाएंगे, आप उसमें क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो पूछेगा कि आप प्रूफ दिखाइए कि आपने सही प्रोडक्ट भेजा था कि नहीं। और प्रूफ आप जो है वो प्रूफ आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपके पास फुटेज नहीं है CCTV फुटेज। तो उस सिनारियो में आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा और आपके सारे पैसे उसी में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो कोई CCTV फुटेज होना चाहिए। CCTV कैमरा आप लगवा लीजिए जहाँ पे आप पैकिंग करवाते हैं प्रोडक्ट्स का, तो उससे आपका एक 100% एश्योरेंस रहेगा कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो एक्यूरेट प्रोडक्ट भेजा है। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है इन फ्यूचर तो आप उसको टैकल कर पाएँ, वरना आपके पैसे उसमें डूबने वाले हैं। क्योंकि इंडिया में 3 से 4 करोड़ लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं, उसमें से हर एक जो शॉपर होता है वो ईमानदार नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो फ्रॉड करता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सेलर्स नहीं करते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स भी ऐसे होते हैं जो करते हैं। ठीक है, लेकिन सेलर्स जो अच्छे रेप्यूटेड सेलर्स हैं वो ऐसा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अपनी रेपूटेशन की पड़ी है और उनको लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के बारे में भी सोचना है। अगर वो छोटी मोटी ऐसी चीज़ों का कोई ऐसा फ्रॉड करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। एकाध दो चीज़ अगर करते हैं कोई सेलर्स तो भी वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि वो ना कर पाए।
और ऊपर से आपको सीसीटीवी फुटेज का वो मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो आप ही उसमें कल्प्रिट माने जाओगे। ठीक है, तो हमें जैसे ही मुझे ये पार्सल मिला तो तुरंत मैंने एक सेफ्टी क्लेम डाल दिया अमेज़ॉन में। अभी सेफ्टी क्लेम डालने के बाद अभी देखते हैं कि अमेज़ॉन का क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो पुलिस कंप्लेन करेंगे, और पुलिस कंप्लेन करने के बाद हम केस को आगे ले जाएंगे। भले ही ये इनवॉइस वैल्यू छोटी है, लेकिन हमारे पास जितने प्रूफ है उस प्रूफ के बेसिस पे तो हम प्रूफ कर ही सकते हैं कि ये हम नहीं थे और इन ट्रांजिट या फिर कस्टमर की तरफ से ये हुआ है। ठीक है, तो आगे कस्टमर की डिटेल्स तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो दोस्तों ये एक चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, अभी 2 दिन पहले की बात है। स्नैपडील में एक शिपमेंट रिटर्न आया था हमारे पास, अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख पाएंगे जो प्रोडक्ट हमने भेजी थी। और रिटर्न में हमको क्या प्रोडक्ट आई है मैं बताता हूँ। देखिए एक डब्बा आया है, ठीक है, स्टैनली का डब्बा। अभी ये देखिए डब्बा यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से यूज़ करके पैक करके हमको वापस भेज दिया। तो अच्छी बात ये है स्नैपडील की कि उन्होंने सारे प्रूफ्स देखे, एविडेंस देखे और फिर रिफंड कर दिया प्रोडक्ट का वैल्यू। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो बायर्स हैं वो बायर्स इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो चाहिए वो प्रोडक्ट लेकर जो यूज़ प्रोडक्ट्स है वो वापस भेज दे रहे हैं। अब जो मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हैं वो तो बायर्स के पास पर्सनली जाके कुछ नहीं कर रही है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे जो मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हैं उनको लॉस हो रहा है या फिर सेलर्स को लॉस हो रहा है, और जो बायर्स होते हैं वो बायर्स को लॉस बहुत ही कम होता है। और काफ़ी ऐसे ही इंसिडेंट हुए होंगे जहाँ पे बायर्स के ऊपर किसी ने केस किया हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि इतना इजीली हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में ठप हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब कोई ऑनलाइन सेलिंग करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इतना सारा लॉस कौन बेयर करेगा। और अगर सबको ऐसा लगे कि ये बहुत आसान है करना तो हर कोई करेगा, क्योंकि भगवान से अभी कोई डरता ही नहीं है, सब कोई करते ही हैं ऐसा काम, किसी को डर ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि आपके पास ऐसा एविडेंस हो, प्रूफ हो कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, वरना आप लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में आप घुसिए ही मत, क्योंकि फिर आपके लॉसेस इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई रिटर्न प्रोडक्ट आता है तो हमेशा आप प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए ऑन द स्पॉट, सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत सेफ्टी क्लेम रेज करिए अमेज़न में हो तो, या फिर टिकट रेज करिए स्नैपडील में हो या पेटीएम में हो, फ्लिपकार्ट में हो, कहीं पर भी हो, ऑन द स्पॉट सेम डे आप उसके टिकट रेस करिए और उनको बताइए कि ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस इज़ नॉट अ जोक। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन जब भी आपका कोई रिटर्न शिपमेंट आता है तो किसी ना किसी में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। शायद मे भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट डैमेज्ड आए, या फिर प्रोडक्ट गलत आए, या फिर प्रोडक्ट आए ही नहीं, तो आपका जो काम है बेसिकली वो डबल हो जाएगा। जैसे ही आपकी सेल्स बढ़ेंगे वैसे ही आपको रिटर्न्स मैनेज करने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटर्न्स पे आप मैनेज नहीं करेंगे एफिशिएंटली तो आपका जो प्रॉफिट जो जा रहा है, प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, वो प्रॉफिट सारा रिटर्न्स में आपका चला जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़ॉन में, स्नैपडील में, पेटीएम में, ईबे में आप गारंटी क्लेम्स या फिर इस टाइप के क्लेम्स कैसे आप हैंडल करेंगे, रिटर्न्स को कैसे मार्क किया जाता है, अगर कोई गलत प्रोडक्ट आता है तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, सेफ्टी क्लेम कैसे करना है, ये हर एक चैनल का मैं आपको इस वीक या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक उसके वीडियोज़ में आपको बना के दे दूँगा, ताकि आपको सबको पता चले कि उसको हैंडल कैसे किया जा सके। ठीक है, तो वैसे अगर ऐसी कोई छोटी मोटी इंसिडेंट होती रहती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है अपनी तरफ से और आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर क्या करना है वो भी मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब होप टू सी यू वेरी सून, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और सेंसिबल लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा।
और आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे लेके आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ऑन एन एवरेज पर डे मैं अपलोड करवा रहा हूँ करीबन 2 वीडियोस 3 वीडियोस, सो दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड। जितना हो जल्दी हो सके मैं उतने जल्दी ये बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर करना चाहता हूँ और अपलोड करना चाहता हूँ, ताकि 2017 जब शुरुआत होती है उसकी तो सबके पास एक ऐसा रिसोर्स हो जहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो मेरी कोशिश वही है कि 2017 अभी ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, 2017 तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बट फेब्रुअरी 2017 तक मे भी मैं सारे जितने भी बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद आप उस वीडियोस को रेफ़र कर पाएंगे फॉर एनी मार्केट प्लेस रिलेटेड इश्यूज या फिर मार्केट प्लेस रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। आई होप कि ये आपको ठीक लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मे बी आई विल ऐड दैट टॉपिक एज वेल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।